आज का टॉपिक है हार्डी शूल जे तो देखते हैं द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्वागुलेट अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन दी वैलेंसी ऑफ दी कोगुलेटिंग आय कह रही है कि इलेक्ट्रोलाइट की वो क्वांटिटी जिससे कि कोई कोलाइडल सोल्यूशन कॉगुलेट हो जाता है वो डिपेंड करता है कॉगलेटिंग आयन की वैलेंसी पर ठीक है तो यह आपका हार्डी शुलझे लॉ तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं यहाँ पर कॉगुलेटिंग पावर कुछ आयन्स की यहाँ पर ए एल थ्री प्लस इज ग्रेटर देन बी ए टू प्लस इज ग्रेटर देन एन ए ठीक है और नीचे है पी ओ फोर थ्री माइनस इज ग्रेटर देन एस ओ फोर थ्री माइनस इज ग्रेटर देन सी एल ठीक है तो ये है आपका हार्डी शुलझे लॉ और ये हो गए आपके कोगुलेटिंग पावर्स